जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 4 सूत्री मांग को लेकर संयुक्त जिला चिकित्सालय पर दिया धरना। जनपद सिद्धार्थ नगर के गांधी स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय पर एम्बुलेंस 108, 102 कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। धरना देते हुए मुख्यमंत्री संबोधित जिला अधिकारी सिद्धार्थ नगर को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन कर्मचारियों के 6 माह से वेतन भुगतान न होना, पीएफ का पैसा 6 माह से जमा न कराया जाना, कंपनी द्वारा 50,000 का डीडी वसूला जाना, बड़ी सैलरी को न देना जैसे मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। खबर जगत सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम आपको? मनोज कुमार पांडे। सर पद बताएं। जिला कार्यालय प्रभारी सिद्धार्थ नगर। क्या मामला आप धरने पर बैठे हैं? धरने पर हम लोग बैठे हैं, करीब 2 महीने का वेतन रोक दिया गया है और वह वेतन जब तक नहीं आता है उसके संदर्भ में भी हमारी प्रदेश कमेटी वहां वार्ता चल रही है और जो भी वहां से समस्या सॉल्व होता है उसका फिर यहां बताया जाएगा, उस तरीके से हम लोग का वहां तक चलेगा। अगर आपका ये धरना सफल न हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, धरना तो हमारा सफल होगा 100%, क्योंकि हमारे सभी भाई हमारे सभी कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और वो तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारा प्रदेश कमेटी और पूरा हमारा जिला कमेटी सहयोग करता रहेगा। इससे पूर्व भी आप धरना किए थे, चक्का जाम किए थे, उसका क्या हुआ? इससे पूर्व में हम लोगों ने धरना किया था, उस पर यूनियन का और कुछ कमेटी से ये हुआ कि अभी इनका कुछ टाइम दे दिया जाए, जिसपे उन्होंने वेतन जो बहाली किया, हम लोग का कुछ वेतन बकाया था वो वेतन दे दिया गया था, प्लस 3 महीने 4 महीने श्रम आयुक्त ने भी कुछ समय मांगा था और उस श्रम विभाग ने जो समय मांगा था वो भी समय पूरा हो गया। अब इस समय हम लोग का जो है अब आर पार की लड़ाई है, इसमें जान लीजिए कि जब तक ये मांग हम लोग का मान नहीं लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। यानी वादों पर नहीं जिएंगे? नहीं, अपने वादे पर तो जीबीके MRI नहीं आया है, लेकिन फिलहाल हम लोग भी संघर्ष करते रहेंगे। जब तक अब की बार वो अपना पूरा मान नहीं लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे।